नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात मौसम के बदलते मिजाज की। बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, अगले 3 घंटों के लिए अलर्ट है। तेज हवाओं के साथ बारिश की पूरी संभावना है। कई जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। आप लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर तेज हवाएं, आंधी, बारिश अलग अलग जिलों में हमने देखा। बीच में ओले गिरने की तस्वीरें भी हमने देखी और कहीं पर गर्मी से राहत तो कहीं पर किसानों को नुकसान। हर तरह की चीजें हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, लोगों को गर्मी से राहत भी मिल रही है, तो एक तरफ किसान भी परेशान हो रहे हैं कि बेमौसम बारिश हो रही है तो उन्हें बड़ा नुकसान होगा। अब येलो अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है तेज बारिश आंधी आ जाए और राहत लोगों को गर्मी से मिलती हुई नजर आए। तो कई जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हम देख सकते हैं, तेज आंधी देख सकते हैं। पहले भी हमने तस्वीरें देखी, कुछ तस्वीरें कल भी हमने आपको दिखाई, आज सुबह से भी दिखाई कि कई जगह पर जो है बारिश ऑलरेडी हो चुकी है, मौसम का मिजाज बदल चुका है। और भी ऐसे कई सारे जिले हैं जहां पे मौसम का मिजाज और बदल सकता है। ये हम आपको नीचे दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना डिग्री जो है टेम्परेचर है, तापमान कहां पर कितना है और बदलता हुआ यह हमें आने वाले समय में नजर आएगा। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मौसम ने कैसे करवट ली है। मुंगेली की आप तस्वीरें दिख रहे हैं, सड़कें गीली नजर आ रही हैं, बारिश हुई है। और वहीं दूसरी तस्वीर सूरजपुर की आप देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर कवर्धा की, जहां पर तेज बारिश हुई, तेज हवाएं चली। प्रदेश भर में भीषण गर्मी के बीच अचानक ही कुछ शहरों में मौसम बदलाव देखने को मिला है। मुंगेली में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया, तो वहीं सूरजपुर में तेज आंधी लोगों के लिए आफत बनकर आई है। सूरजपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज आंधी से एक घर का शेड उड़कर युवक के सर पर गिर गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। साथ ही कवर्धा में दिन भर की धूप के बाद बारिश से तापमान में गिरावट आई है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहीं पर राहत तो कहीं पर परेशानी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, मौसम का मिजाज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में बदला हुआ नजर आ रहा है और पिछले दिनों भी हमने देखा वहां पर कई सारे जिलों में बारिश भी हुई, साथ ही साथ कहीं पर ओले भी गिरे। अभी भी हम तस्वीर देख रहे हैं, कहीं पर राहत है तो कहीं पर मुसीबत की बारिश बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। हालांकि अगर हम बात करें तो दिन को अगर टेम्परेचर की बात करें तो राजधानी रायपुर में 41 डिग्री टेम्परेचर था, और इसके अलावा अगर बात करें अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर, पिंडरा, यहाँ पर जो है 40 डिग्री के करीबन तापमान था। लेकिन अभी शाम को राजधानी रायपुर में भी तेज हवाएं चल रही है, अंधड़ जैसी स्थिति है। प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश भी हुई है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि सावधानी बरतें, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो सूरजपुर में एक युवक जो है वो के चलते घायल भी हो गया। तो ऐसे समय में जब अलर्ट मौसम विभाग जारी करता है और एक येलो अलर्ट जारी किया है, इसका मतलब साफ तौर पर है कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। शाम को अगर आप निकल रहे हैं, खासतौर पर नदी, तालाब या ऐसी जगहों पर जहां से आपको खतरा हो सकता है, तो वहां पर ना जाएं। और कहीं कहीं पर जो है वो पेड़ गिरने की भी जैसी चीजें भी देखने पर आती, तो वहां पर खासतौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। और हालांकि ये जो अगर बात करें आज जो मौसम बदला है ज्यादातर जगहों पर, तो जब टेम्परेचर अचानक से बढ़ता है, क्योंकि थोड़े पहले हमने देखा था कि मौसम जो है वो एक तरह से खुशनुमा हुआ था, लेकिन एकदम से 41 डिग्री तक के टेम्परेचर हुआ है, तो उसके बाद स्थानीय प्रभाव के चलते भी शाम को जो है इस तरह की स्थिति होती है। और मई और जून जो महीने होते हैं, 15 जून जब तक मानसून नहीं आ जाता, उसके पहले जो है इसी तरह की तासीर जो है वो मौसम के अमूमन होती है कि शाम को अंधड़ की स्थिति बनती है, बारिश होती है, तेज बारिश, हवा, तेज आंधी, तूफान की स्थिति होती है। तो जाहिर तौर पर शाम को जो है खासतौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि ये जो अभी स्थिति हुई है वो देर शाम तक ये भी होता है कि बारिश थोड़ी बहुत जब होती है तो रात को जो है उमस की स्थिति हो जाती है, यानी कि लोगों की मुश्किल जो है वो कम नहीं होती है। तापमान अगर दिन को कम रहे तो शाम को राहत जैसी स्थिति होती है, लेकिन दिन को बहुत ज्यादा तापमान हो और शाम को इस तरह की स्थिति हो तो उमस की भी स्थिति जो है वो बढ़ जाती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो येलो अलर्ट है, यानी कि लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। और अभी अगर बात करें तो लू जैसी स्थिति कहीं पे भी नहीं है। बाकी तो कुल मिलाकर कहा जाए राहत तो मिलेगी बारिश से, पर कहीं ना कहीं सावधान लोगों को रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे,
रायपुर का जिक्र करेंगे। सरकारी जमीन पर कांग्रेस नेता का कब्जा हुआ है। पूर्व विधायक अमितेश शुक्ल पर बड़ा आरोप लग रहा है। सरकारी जमीन पर स्विमिंग पूल बना दिया। कांग्रेस नेता के मंगले से यह जमीन लगी हुई है। सरकारी रिकॉर्ड में गौठान के लिए यह जमीन ली गई थी। बंगले की दीवार हटाकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव और कलेक्टर तक ये शिकायत अब पहुंच चुकी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें किस तरह का एक्शन लिया जाता है। के पूर्व विधायक अमितेश शुक्ल पर एक बड़ा आरोप लगा है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने सरकारी जो जमीन है उस पर कब्जा किया और उस पर स्विमिंग पूल बना दिया। यही नहीं बल्कि वो जो पूरा इलाका था, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जिसको संरक्षित करके रखा गया था, उस पूरे और जहां पर वो जो वन विभाग की जमीन है उस पर कब्जा करके उन्होंने अपना निजी स्विमिंग पूल बना दिया है। और खसरा नंबर भी जो उनकी जमीन है और दूसरी जो जमीन है उसको लेकर मिला दिया है। हम आपको दिखाते हैं, अमितेश शुक्ल के घर का वो इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते कि किस तरह से स्विमिंग पूल जो है वो घर के पास का इलाका है जहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और उस पर स्विमिंग पूल बनाया है। गांव वालों ने इसकी शिकायत जो है वो कलेक्टर से की है। अमितेश शुक्ल के घर के जो बाउंड्री वाल है वो काफी आग पीछे थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं तो उसके बाद में ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने उसको बढ़ा अपनी बाउंड्री वॉल तोड़ दी। और जो सरकारी जमीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम जो पेड़ लगे हैं, कहा जा रहा है कि वन विभाग की जमीन है जिस पर कब्जा किया गया। और यही नहीं बल्कि इसको ये भी कहा जा रहा है कि चारागाह की जैसी जमीन थी। कांग्रेस के ही जो विधायक हैं अमितेश शुक्ल, उन पर ये आरोप है कि उन्होंने गौठान की जमीन पर कब्जा करके ये देखिए कि अभी यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया गया और यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और इसकी शिकायत जो है कलेक्टर और डिप्टी सीएम से की गई है। और जो गाँव वाले उनका कहना है कि चूंकि सरकार कांग्रेस की थी इसलिए जो है हमें ऐसा लगा कि उस समय हमारी सुनवाई, चूंकि वो विधायक ही थे अमितेश शुक्ल, तो शायद उन तक के हमारा वो रसूखदार थे तो नहीं पहुंच पाती और अब हमने इसकी शिकायत की। तो देखना ये इस पूरे मामले में जो है वो क्या होता है। और ये भी ज़रूर है कि चूंकि अमितेश शुक्ल जो है वो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं और अब बीजेपी की सरकार है तो इस पर सियासत भी ज़रूर गर्माएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो कलेक्टर और अरुण साहब से शिकायत की गई है और उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कलेक्टर ने शिकायत के बाद में RI को यहाँ पर भेजा भी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता रांझेवाल, News18 छत्तीसगढ़ टाइम। कांग्रेस के पूर्व विधायक अमितेश शुक्ल पर जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने सरकारी जो जमीन है, गौठान की जमीन, उस पर कब्जा किया है, ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर और उप मुख्यमंत्री अरुण साव से भी की है। अब हम इस पूरे मामले को लेकर कि जो खसरा नंबर दिया गया है वो वाकई अमितेश शुक्ल के नाम पर है या फिर उसमें उसके किस नाम पर है, इसको लेकर जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ पर RI दफ्तर पहुँचे हुए हैं। शंकर नगर खमाड़ी का RI दफ्तर है, पटवारी कार्यालय है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं और यहाँ पर सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सी जमीन जो है वो किसके नाम पर है। और सचिन श्रीवास्तव यहाँ के RI है, पटवारी हरिराम भोई है, तो इस वक्त हम जाते हैं और सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये देखिए राजस्व निरीक्षक मंडल का शंकर नगर का यह दफ्तर है और मैं उनसे कोशिश करती हूँ कि जानने के लिए कि सर हमको एक 570 खसरा नंबर है, 570-1B, हमको ये जानना है कि वो क्या है। तो ये आप देखिए कि ये सरकारी दस्तावेज है, यानी कि फॉर्म P है खसरा जो है, जिसमें भूया के नाम से जिसे कहा जाता है, यानी किसके किसके नाम, भूया होती है जमीन छत्तीसगढ़ी में। और ये पूरा शंकर नगर का ये खसरा का जो दस्तावेज है और 2021-22 तक का मतलब बुक नंबर है और इस पर डिटेल होती है और ये ऑनलाइन भी होता है, लेकिन फिर भी हम जो है इस तरह से दिखाते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सचिन श्रीवास्तव से बात करते हैं, सर हम चाहते हैं कि आप बताइए 570-1B जो है वो उसके बारे में डिटेल बताएं। शासकीय अभिलेख खसरा 5 साल के अनुसार आप जो खसरा पूछ रहे हैं 570-1B, ये गौठान नाम से दर्ज है, गौठान के मद में। हाँ, ये किसी के नाम पे जमीन नहीं है, नहीं, शासकीय भूमि है, ये शासकीय भूमि है। हाँ जी, तो ये देखिए ये 570-1B जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर और उप मुख्यमंत्री से की है और इस पर आप देखिए कि शासकीय भूमि, स्वामित्व शासकीय भूमि, लेकिन दस्तावेज तो ये कह रहे हैं कि गौठान की जमीन है। तो गौठान की जमीन पर कोई स्विमिंग पूल कैसे बना सकता है, गौठान की जमीन पे जो है कोई अपनी बाउंड्री वॉल बना के इसमें ताला कैसे लगा सकता है। कैमरा पैन मनीष के साथ ममता लांजेवा, News18 छत्तीसगढ़ रायपुर। तो ये कई सारे आरोप जो हैं कांग्रेस नेता पर लग रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि गौठान के लिए जमीन ली गई, स्विमिंग पूल बना दिया गया, अपने शौक पूरे किए जा रहे। जानकारी लेंगे, सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, बड़े शर्म की बात है वाकई ये कि गौठान के लिए जो जमीन ली गई वहां पर अपने ऐशो आराम के लिए सुविधाएं
जो उनको चाहिए वो की जा रखी हैं। आखिर इसमें कितनी सत्यता है और जब ये पूरा मामला डेप्यूटी सीएम तक पहुंचा है, कलेक्टर तक पहुंचा है, तो क्या कहना है उनका भी? बिल्कुल, देखिए कलेक्टर से हमने बात की है, उनकी बात मिली है, उनका कहना है कि शिकायत पहुंची है और शिकायत पर जो भी निर्माण नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। हमने उनसे पूछा भी कि क्या सीमांकन किया जाएगा, क्योंकि ग्रामीणों ने सीमांकन की बात कही है और सीमांकन से वस्तु स्थिति और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो भी शिकायत आई है और उस पर ये नहीं सोचा जाएगा कि कौन जो है वो कितने रसूख में सीमांकन तो होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो वहाँ के जो पार्षद हैं रोहित साहू खमाड़ी के, उन्होंने ये शिकायत की। हालांकि एप्लीकेशन में उन्होंने नाम नहीं लिखा है अमितेश शुक्ल का, लेकिन जब उन्होंने शिकायत की है मीडिया के सामने, जब कहा है न्यूज 18 से बातचीत की है, तो प्रॉपर तौर पर उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने बताया भी कि कौन सी ये बाउंड्री वॉल जो है किस तरह से बनी है। हमने जांच के बाद क्या कुछ सामने आता और किस तरह की कार्रवाई होती है देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ममता। इधर छत्तीसगढ़ में पोस्टर वार लगातार जारी है। बीजेपी ने पोस्टर से भूपेश बघेल पर निशाना साधा, तंज कसते हुए लिखा कि भ्रष्टाचारी हो जाए तैयार, जाएंगे जेल के पार। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी एक के बाद एक पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है और बघेल सरकार पर सवाल भी उठा रही है। इसी बीच ये नया पोस्टर जो है बीजेपी ने जारी किया है और इस पोस्टर में मेंशन किया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल को। खबर बिलासपुर से है, जहां पूर्व विधायक मोहित राम केरकट्टा समेत 10 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर किए। पूर्व विधायक पर आरोप है कि कब्रिस्तान की जमीन को ही बेच दिया। इन्होंने षड्यंत्र से सरकारी दस्तावेजों में फर्जी तरीके से धोखाधड़ी की, इसका सौदा किया। आपको बता दें कि 2018 में चुनाव जीतकर विधायक बने मोहित राम को मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। मोहित राम ने पद का दुरुपयोग कर बिलासपुर में कुदूदंड के चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करीब 1 एकड़ जमीन खरीदी और अपने बेटे शंकर केरकट्टा के नाम पर करा। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। अब ये जांच का विषय है और कार्रवाई। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां जांजगीर नैला बलौदा चांपा नगर पालिका में अतिक्रमण हटाया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास 4 एकड़ पर अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटा लिया गया। वहीं स्टेशन रोड नैला में भी अवैध कब्जा कर बनाई गई 4 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। तो ये अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जो है यहां पर लिया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई। स्टेशन रोड पर 4 दुकानों पर एक्शन लिया गया, इन्हें जमींदोज कर दिया गया। जांजगीर चांपा की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं।